हमारा टॉपिक है वो है पाइप विथ एंड ए टैंकी, पाइप एंड ए टैंकी। पाइप और टैंकी है उसके अंदर अपना क्या होगा, जैसे अपना समय और कार्य का टॉपिक है सेम का सेम वैसे का वैसे टॉपिक है। वहां पे अपनी जो कार्य क्षमता वो कभी भी क्या नहीं जाती है नेगेटिव में, कभी भी क्या नहीं जाती है नेगेटिव में नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पे जो नल खाली करेगा उसी कार्य क्षमता कैसे आएगी नेगेटिव आएगी, उसी कार्य क्षमता कैसे आएगी नेगेटिव आएगी। अपन बात करते हैं एक टंकी की, मान लो कि एक टंकी है उसकी क्षमता है 100 लीटर की, कितने लीटर की है 100 लीटर की। एक टंकी है उसकी क्षमता है 100 लीटर की, टंकी की क्षमता है 100 लीटर की। तो एक नल है वो उसे कितने घंटे में भरता है 10 घंटे में भरता है। ए नल है उसको 10 घंटे में क्या कर सकता है भर सकता है, 10 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल जो बी है वो उसे 20 घंटे में क्या कर सकता है खाली, 20 घंटे में क्या कर सकता है खाली कर सकता है, 20 घंटे में क्या कर सकता है खाली कर सकता है। तो अपने पास पता है कि इनका ऐसे अपन है वो कितना है, अपने पास 100 लीटर है, ये कितने लीटर की है 100 लीटर की। अपने को कितना काम करना है 100 लीटर काम करना है, काम कितना करना है 100 लीटर करना है, 100 लीटर करना तो ये 10 घंटा, तो प्रति घंटे में कितने लीटर पानी डालेगा ये 10 लीटर, प्रति घंटे में पानी कितना डालेगा ये 10 लीटर, और ये 20 घंटे में खाली करता तो प्रति घंटे कितने लीटर खाली करेगा 5 लीटर। ये 10 लीटर डालता है और ये 5 लीटर क्या करता है निकालता है। तो जो डालेगा वो कार्य होगा वो होगा प्लस का, और जो बाहर निकालेगा उसको क्या मानेंगे अपने माइनस का, क्योंकि वो क्या कर रहा है नकारात्मक कार्य कर रहा है। और ये टंकी क्या हो पूर्ण रूप से खाली हो, क्या हो पूर्ण रूप से खाली हो। यदि ये पूर्ण रूप से खाली है और दोनों नलों को साथ खोल दिया जाए, दोनों नलों को क्या कर दिया जाए साथ खोल दिया जाए, तो टंकी कितने समय में भरेगी अपने को याद ही करना है कि टंकी कितने समय में भरेगी। जब ये क्या कर रहा है ये 10 लीटर डाल रहा है, ये 1 घंटे में कितने लीटर डाल रहा है 10 लीटर डाल रहा है, और ये बाहर कितने लीटर निकाल रहा है 5 लीटर, ये बाहर कितने लीटर निकाल रहा है 5 लीटर। तो अपने पास प्रति घंटे टंकी के अंदर पानी कितना बच जाएगा 5 लीटर, प्रति घंटे पानी कितना बच जाएगा 5 लीटर, 5 लीटर ये क्या बचेगा अपना शुद्ध कार्य बचेगा, ये क्या बचेगा अपना शुद्ध कार्य, शुद्ध कार्य बचेगा, शुद्ध कार्य बचेगा। तो अपने को कितने लीटर पानी रखना है टंकी के अंदर 100 लीटर, क्योंकि उसकी क्षमता कितनी है 100 लीटर की है, 100 लीटर की क्षमता है। तो प्रत्येक घंटे अपने पास टंकी के अंदर पानी कितना बचेगा शेष भी 5 लीटर, और 100 लीटर डालना है तो अपने को क्या करेंगे हम 100/5, यानी कि टंकी भरने में अपने को कितने लगेंगे 20 घंटे, कितने घंटे लगेंगे 20 घंटे। ये प्रोसेस तो कब होगा जब एक क्या करेगा टंकी को भरेगा और दूसरा क्या करेगा खाली करेगा, एक तो क्या करेगा टंकी को भरेगा और दूसरा क्या करेगा खाली करेगा। और यदि यही प्रोसेस उल्टा होता, यही प्रोसेस क्या होता अपना उल्टा होता, उल्टा कैसे, जब मान लो कि ये 20 घंटे वाला भी किसका काम करता भरने का ही काम करता, क्या करता ये भरने का ही काम करता, जब ये 20 घंटे वाला भी क्या करता इस टंकी को भरता, तो ये 5 लीटर भी क्या होता इसमें ऐड होता, ये 5 लीटर भी क्या होता इसमें ऐड होता। फिर अपने पास शुद्ध काम है वो कितने लीटर हो जाता 15 लीटर, शुद्ध काम है वो कितने लीटर हो जाता फिर 15 लीटर, और अपने को काम कितना करना होता फिर भी काम कितना करना है 100 लीटर, काम कितना करना है फिर भी 100 लीटर। तो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलकर 15, क्योंकि 10 लीटर वो ए करेगा और 5 लीटर वो कौन करेगा बी करेगा, 10 लीटर तो कौन करेगा ए करेगा और 5 लीटर कौन करेगा बी करेगा, दोनों मिलकर काम कितना कर देंगे 15 लीटर, दोनों कितना कर देंगे 15 लीटर। पहले कितने करते थे दोनों, जब एक खुला था और एक बंद था, जब एक बाहर निकाला था एक अंदर डाला था तब कितना करते थे 5 लीटर, लेकिन अब दोनों को क्या कर दिया साथ साथ भरने के काम में लगा दिया, दोनों को क्या कर दिया अपने भरने के ही काम में लगा दिया। तो क्या करेंगे 5 लीटर ये डालेगा 10 लीटर ये डालेगा, तो 1 घंटे में अपने पास कितना लीटर पानी डल जाएगा 15 लीटर, और अपने को डालना कितना टोटली 100 लीटर डालना है, टोटल डालना कितना है 100 लीटर, 100 लीटर डालना है। तो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे 15 का भाग दे देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे 15 का भाग दे देंगे, तो 15 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 6 से 2/3 मिनट,
वो कितना आ जाएगा अपना मान, जैसे ही 2/3 घंटे, ठीक है। तो अपने को क्या ध्यान में रखना है कि पहले तो अपने को खुश भी ये देखना है कि नल कौन सा है, या बाहर निकालने वाला है या अंदर डालने वाला है। एक तो पानी को क्या करेगा, अंदर डालेगा, दूसरा जिसको अपन नीचे पिंड में छेद करेगा उसको क्या बोलेगा कि पानी बाहर निकाल रहा है। यदि वो पानी बाहर निकाला तो उसकी जो कार्य क्षमता तो क्या आएगी नेगेटिव, उसकी कार्य क्षमता तो क्या आएगी नेगेटिव आएगी। और जो काम क्या करेगा, अंदर डालने पानी डालने का काम करेगा, उसकी कार्य क्षमता क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। अपने को पता है कि समय कार्य के अंदर, समय कार्य के अंदर तो क्या होता था कि जो काम करते थे तो क्या चलते थे अपने पॉजिटिव पॉजिटिव चलते थे, और यहाँ पे क्या चलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से काम होगा। क्या होगा अपना, दोनों तरीके से काम होगा, ये पॉजिटिव भी होगा और ये नेगेटिव भी होगा। तो ये ध्यान रखना कि काम पॉजिटिव कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है, अपने को विशेष ध्यान किसका रखना है, कार्य पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, ए नल किसी टंकी को, ए नल किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, एक नल किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है तथा बी नल उसी टंकी को, तथा बी नल उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, तथा बी नल उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, नल ए है वो कितने समय में भर रहा है 15 घंटे, कितने घंटे काम कर रहा है वो 15 घंटे। नल बी है वो कितने घंटे कार्य कर रहा है 20 घंटे, कितने घंटे कार्य कर रहा है 20 घंटे। अब अपन इनका क्या लेंगे, एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो पहले अपन देख लेंगे कि दोनों संख्या में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 5, कॉमन निकाल लिया। अब अंदर 5 का भाग 15 में दिया कितनी बार गया 3 बार, 20 में देंगे 5 का भाग कितने टाइम जाएगा 4 बार जाएगा। अंदर मानो गुणा करो, पहले 5 गुणा 12, अब 12 को 5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 60। अपना जो एलसीएम है, एलसीएम आपको कितना जाएगा 60, और जो एलसीएम आएगा वो अपना क्या होगा कुल का, वो क्या होगा अपना कुल का। तो यहां से अपन इनका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 60, एलसीएम कितना आया 60। अब इनकी क्या निकाले अपन कार्य क्षमता निकालेंगे तो 15 का भाग 60 में दिया कितने बार जाएगा 4, कितने बार जाएगा 4 बार। 20 का भाग 60 में दिया कितनी बार जाएगा 3 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार। अपन ये कह सकते थे कि इसको 15 घंटे कार्य, 60 कार्य करने के लिए कितना समय लगा 15 घंटे, यानी कि 60 लीटर पानी डालने के लिए इसको कितना टाइम लगा 15 घंटे। यदि 60 लीटर डालने में 15 घंटे लगे हैं तो 1 घंटे इसने कितने लीटर पानी डाला, 1 घंटे में कितना पानी डाला इसने 4 लीटर, कितना पानी डाला 4 लीटर। इसको 20 घंटे लगे कितने लीटर पानी डालने के लिए 60 लीटर, इसको कितने घंटे लगे 20 घंटे, कितना पानी डालने के लिए 60 लीटर
60 लीटर पानी डालने में इसको लगे 20 घंटे, तो प्रत्येक घंटे इसने कितना काम किया, कितना काम किया 3 लीटर, यानी कि प्रत्येक घंटे इसने कितने लीटर डाले 3 लीटर, 3 लीटर डाले, तो दोनों ने मिलकर कितने डाल दिए 4 इसने डाले और 3 इसने डाले, तो दोनों ने मिलकर कितने डाल दिए 7, दोनों ने मिलकर कितने डाल दिए 7, यानी इनको दोनों को 7 खोला गया है, यानी कि एक ही समय पे खोला गया है, तो इस मान लो कि 1 घंटे का समय हुआ, नल खोलने के बाद 1 घंटे का क्या हुआ समय हुआ, तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी तो इसने डाल दिया और 3 लीटर इसने डाल दिया, 4 लीटर पानी तो इसने डाल दिया और 3 लीटर पानी इसने डाल दिया, तो दोनों ने मिलकर 1 घंटे में कितने लीटर पानी डाल दिया 7 लीटर, कितने लीटर पानी डाल दिया 7 लीटर, पानी डालना कितना इनको 60 लीटर, डालना कितना है 60 लीटर, तो 60 बटे में 7, 60 के बटे में कितना जाएगा 7, 8 दो इसको 7 8 56 8 से ही 4 बटे 7 से कितना टाइम आ जाएगा 8 से ही 4 बटे 7 से घंटे, कितना टाइम आ जाएगा 8 से ही 4 बटे 7 से घंटे, तीन नले ए बी, तीन नले ए बी व सी, किसी टंकी को 8 घंटे किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे 12 घंटे 8 घंटे 12 घंटे व 16 घंटे में 16 घंटे में भर सकते हैं, किसी टंकी को 8 घंटे 12 घंटे वह 16 घंटे में भर सकते हैं, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अपन का एलसीएम छोटा लेंगे जहां तक होगा,
कितना मान रख सकते हैं यहाँ पे 48, कितना मान रख सकते हैं 48, क्योंकि ये जो दो है ये किसके अंदर विद्यमान है, चार के अंदर। ये जो दो है ये किसके अंदर विद्यमान है, चार के अंदर। तो चार से सीधा ही किसको मल्टीप्लाई करते हैं, तीन को। चार से सीधा ही मल्टीप्लाई किसको कर दे, तीन को। तो अंदर कितना हो जाएगा अपना 12, अंदर कितना हो जाएगा 12, और 12 तो के 48, 12 तो के 48, क्योंकि जो दो है वो किसके अंदर बैठा हुआ है, चार के अंदर बैठा हुआ। दो है वो ऑलरेडी किसके अंदर बैठा हुआ है, चार के अंदर बैठा हुआ। यहां से अपन क्या निकाले, इनकी कार्य क्षमता निकाले, क्या निकाले अपन ने, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता निकालेंगे तो 8 का भाग देंगे किसमें, 48 में। 8 का भाग किसमें देंगे, 48 में। कितना आ जाएगा, 6। 12 का भाग देंगे 48 में, कितना आ जाएगा, 4। 16 का भाग देंगे 48 में, कितना आ जाएगा, 3। अब तीनों सात कार्य करेंगे तो तीनों का ही क्या होगा, योग होगा। जब तीनों सात सात कार्य करेंगे तो तीनों की ही कार्य क्षमता क्या होगा, योग। तीनों की कार्य क्षमता का योग कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13। अब अपने को पता है कुल काम कितने करने हैं, 48। कार्य क्षमता कितनी है, 13। यानी कि एक घंटे में कितने लीटर पानी डालेंगे, 13 लीटर। डालना कितना अपने को, 48। डालना कितना अपने को, 48। तो 48 में भाग देते किसका, 13। 13 किए 39, 13 किए 39। अब कितना बच गया अपने पास ही, 9 बटे 13 घंटे। 3 से ही 9 बटे 13 घंटे, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर।